जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सी लैंग्वेज चल रही थी और सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर हो चुका था और ऑपरेटर की आज लास्ट क्लास है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी भेजे हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आज लास्ट क्लास है, कल से अपन लेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें इफ एल्स है, लूप है, स्विच केस स्टेटमेंट है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन आज लास्ट क्लास अपनी ऑपरेटर के। ऐसे तो मैंने ऑपरेटर इतना हाई लेवल पे आपको करवा दिया कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज 10 नंबर का लेक्चर है ये, किसका? सी लैंग्वेज का। बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया हूं। ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी बहुत पहले से चल रही है, लगभग 13-14 साल हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन मैं अभी आया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से क्लासेस चलती हैं, बेस्ट फैकल्टी टीम है, ये ज्यादा ज्यादा लोगों को बताइए। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और यूट्यूब पे मेरी जो क्लास आती है उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ऑपरेटर के अंदर और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर देखिए, इंटीजर मैन, ये एमसी एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, आप खुद सोचो। यहां पर देखिए, जब एक्स प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स आता है तो दोनों तरीके से करके देखना आपको। अगर दोनों से आंसर सेम आता है तभी आप इसका आंसर दो, नहीं तो आप लिख दो कंपाइलर डिपेंडेंट है। कल भी मैंने समझाया था, जब एक ही वेरिएबल के ऊपर प्लस 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 दो बार हो, देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ए सेम वेरिएबल पे, तो इसके आंसर ट्रबोसी से भी निकाल के देखो और ट्रबोसी के अलावा जीसी से भी निकाल के देखो। क्लियर बच्चों, अब कैसे देखते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। यहां पर आइए, इस लाइन को मैं इधर लिख देता हूं। अगर मान लो दोनों से सेम आए तो कोई बात नहीं, ऑप्शन दे दीजिए, नहीं तो इसका आंसर आएगा कंपाइलर डिपेंडेंट। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, बहुत सारी बुक में क्या आंसर देते हैं, दूसरी बुक में अलग आंसर दे देते हैं। बच्चों, ये कंपाइलर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, वापस सुन लीजिए। जब कोई एक ही स्टेटमेंट के अंदर, देखो ना, एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक ही वेरिएबल के ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बार बार लगे, इसका मतलब वो कंपाइलर डिपेंडेंट हो सकता है। आप दोनों तरीके से इसको करके देखो, ट्रबोसी में कैसे करते हैं और जीसीसी में कैसे करते हैं। अगर दोनों से सेम आंसर आए तो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो दोनों से अलग अलग आए तो लिख दीजिए कंपाइलर डिपेंडेंट। क्लियर बच्चों, या तो लिख के देगा कि ये प्रोग्राम ट्रबोसी में एग्जीक्यूट हो रहा है, या तो लिख के देगा कि ये प्रोग्राम जीसीसी में एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक ही स्टेटमेंट के अंदर अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही वेरिएबल के ऊपर बार बार आए तो याद रखना कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है। लेकिन हाँ, दोनों ही तरीके के कंपाइलर से सेम वैल्यू आती है तो आप आउटपुट दे सकते हो। मैंने जो वर्ड बोले वो क्लियर हो जाने चाहिए, कहां सावधानी रखनी है क्लियर हो जाना चाहिए। एक सावधानी मैंने साइज ऑफ में बताई थी कि अंदर प्लस प्लस आई है तो उसको आई को नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखिए हर चीज का ध्यान रखिए। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्या क्या सावधानी रखनी है आज उसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। एक बार बताइए जेड, बच्चों देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये x++ और प्लस 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 एक्स। अब बच्चों, अगर मैं ट्रबोसी की बात करूं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, ट्रबोसी क्या करता है, पहले प्रीफिक्स कर देता है, प्रीफिक्स। आप बताइए ये प्रीफिक्स कंप्लीट x के अंदर कितना है, x के अंदर बच्चों 3 है, तो प्रीफिक्स कंप्लीट करते ही ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, तो 4 प्लस 4 कितना होगा, 8, और जेड में कितना आ गया बच्चों, 8। बच्चों क्लियर? अब जैसे ही ये नीचे जाएगा, इससे नीचे जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा क्योंकि पोस्टफिक्स बचा, तो बच्चों 4 की जगह ये क्या हो जाएगा, 5। बच्चों अगर ट्रबोसी के हिसाब से आंसर देखे, आप रन करा के देखना, ट्रबोसी के हिसाब से आंसर देखते हो तो एक्स आएगा 5 और जेड आएगा कितना, 8। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दीजिए मैंने कैसे बताया, सबको पता है। देखिए मैं फिर क्लियर कर देता हूं, अगर आपने शुरू के 9th वीडियो देखे होंगे, 9 वीडियो देख लिए हैं, तभी आपके 10वां वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका लिंकिंग है।
डायरेक्ट के कोई 10वां वीडियो मत देखिए, सब कुछ आपके अकाउंट में है, आप उनको अच्छी तरीके से देखिए, तभी 10th वीडियो आपके सामने आएगा। तुम चाहते हो ये डायरेक्ट समझ में आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है पहले। हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए 5 और 8 क्यों आया, क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, सब कमेंट कर दीजिए 5 और 8 क्यों आया। हाँ जी बच्चों, 5 और 8 क्यों आया, क्योंकि प्रभोशी कहती है पहले प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलो, पहले आपको प्लस प्लस करना है, प्रीफिक्स करना है, तो बच्चों जो 3 था उसकी जगह 4 हो गया, फिर आपको टाइप करना है, 4 + 4 = 8 हो गया, जेड में 8 आ गया, फिर असाइनमेंट के बाद जब ये नीचे आएगा उस समय पोस्टफिक्स होगा, और किसमें पोस्टफिक्स होगा, एक्स में, तो एक्स कितना हो जाएगा 5। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अपन बात करें जीसीसी की या ब्लैक कोड की, ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर कैसे काम करते हैं इनको समझना। बच्चों अगर मैं ये लिखता हूं जीसीसी के अंदर या ब्लैक कोड के अंदर, बीसी के अंदर, तो बच्चों जेड इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, एक्स प्लस प्लस और प्लस 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 एक्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये एक्स है, तो एक्स के अंदर आपका कितना था, एक्स के अंदर आपका 3 था, जेड आपका ब्लैंक था। बच्चों ये पहले यहाँ टाइप होता है, ये कितना होगा 3। क्लियर? अब यहां से यहां जाता है तो ये बढ़ जाता है, कितना होगा 4। क्लियर बच्चों? याद रखना प्रीफिक्स, देखिए ये तो 3 हो गया, फिर बढ़ता है, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब बच्चों यहां पर ये टाइप नहीं होगा, पहले बढ़ेगा, 4 की जगह कितना हो गया बच्चों 5, 4 की जगह 5 हो गया बच्चों। क्लियर? 4 की जगह 5 हो गया, क्यों? क्योंकि पोस्टफिक्स है, वो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, समझ में आ गया होगा, पहले 3 था, 3 टाइप हुआ। ये कहता है मतलब एक्स प्लस प्लस क्या कहता है, एक्स प्लस प्लस कहता है पहले टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, फिर बढ़ाओ बच्चों। क्लियर? फिर इंक्रीज करो। और ये जो प्लस प्लस एक्स है ये क्या कहता है, पहले इंक्रीज करो फिर टाइप करो। क्लियर बच्चों? और सीरियल वाइज चलता है। एक बार बताइए, मैंने लिखा एक्स प्लस प्लस, तो सबसे पहले टाइप किया, फिर इंक्रीमेंट किया, 4 हो गया, फिर यहां गया बच्चों, ये प्लस आपका ही, फिर बच्चों यहां गया, पहले बढ़ेगा और फिर टाइप होगा। ध्यान रखना 3 + 5 कितना हो गया 8, जेड में कितना आ गया बच्चों 8 आ चुका है, जेड में 8 आ चुका है, देखिए जेड में 8 आ चुका है बच्चों, जेड में 8 आ चुका है, और जहां सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, ये हुआ, फिर ये हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है, फिर प्लस आ गया, बड़ा, ये भी कंप्लीट हो चुका है, एक्स में अभी भी 5 है। तो बच्चों गौर से देखिए क्या इनके आउटपुट चेंज हुआ क्या, ना तो ट्रबोसिम में हुआ, ना तो ट्रबोसिम में हुआ, ना तो ट्रबोसिम में हुआ, ना जीसीसी में हुआ। मेरे हिसाब से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी कमेंट कर दीजिए, क्या ये दोनों क्लियर है क्या, ट्रबोसिम में भी 5 8 आया और जीसीसी में भी 5 8 आया। क्लियर बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ये भी 5 8 5 8 आया, इसका मतलब ये कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, इसका आंसर 5 8 आएगा बच्चों। क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ और एग्जांपल, और एग्जांपल लो, चलो मैं एक एक और एग्जांपल बना देता हूं। मैंने कहा ये आपका आई है, और आई में कितना है आपका 3 है, और बच्चों ये जेड है थोड़ी देर के लिए। अब बच्चों मैं मान लो स्टेटमेंट ये लिख देता हूं, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता हूं, ये प्लस प्लस आई और प्लस 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 आई, इसका आंसर निकालना है। अच्छा दूसरा, चलिए इसका आंसर निकालते हैं, दोनों तरीके से निकालते हैं। क्लियर? क्या हुआ, नहीं आया समझ में? आ जाएगा, आ जाएगा। इसी स्टेटमेंट के आंसर में दोनों तरीके से निकालता हूं, ट्रबोसी में भी निकालता हूं और जीसीसी या ब्लैक कोड, दोनों एक तरीके से काम करते हैं, उसमें निकालता हूं। क्लियर बच्चों? यहां पर आई, एक बार बताओ आई 3 है, तो पहले तो मैं ट्रबोसी के हिसाब से चलता हूं। ट्रबोसी कैसे काम करती है, देखिए पहले आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, आप बताइए आई कितना आपका 3 और ये आपका जेड है। बच्चों यहां पर आई 3 तो पहले एक बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले प्रीफिक्स होगा, प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलता है, प्रबोसी प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलता है, प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलता है। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए ये 3 की जगह क्या हो गया 4, फिर प्रीफिक्स हो गया बच्चों, 4 की जगह क्या हो गया बच्चों 5। बच्चों क्लियर? अब बच्चों टाइप होगा 5 + 5 कितना हो गया 10। बच्चों जेड में कितना आ गया आपका 10, जेड में 10, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट एफ परसेंट डी कौन कौन आई और जेड, तो बच्चों आप आंसर दीजिए, आंसर आई का कितना आएगा 5 और जेड का कितना आएगा 10। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा।
देखिए रास्ता अलग अलग हो सकता है, फाइनल आंसर सेम भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, याद रखना रास्ता अलग अलग हो सकता है, फाइनल आंसर सेम भी आ सकता है। तो 5 और 10 आंसर आया। कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये क्लियर है क्या? पहले प्रीफिक्स हुआ, प्रीफिक्स हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, प्लस 5 5 10 हुआ, जेड में 10 आया, 5 और 10 आंसर आया। क्लियर। अब बात करते हैं अपन जीसीसी, जीसीसी क्या काम करता है। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैंने कहा जेड, जेड और ये प्लस प्लस आई और प्लस 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 आई, समझना बच्चों। अगर आपको अच्छी मास्टरी करनी है सी लैंग्वेज के अंदर तो इस कंसेप्ट को समझना बच्चों। यहां पर आई है आई, आई के अंदर कितना है 3 और जेड। बच्चों ये दिक्कत कब आती है मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों बार बार लग रहे हो, एक ही स्टेटमेंट में लग रहे हो, एक ही वेरिएबल पे लग रहे हो, तब ये दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कहीं इसी बुक में ये दे रखा है, किसी बुक में ये दे रखा है। तो याद रखिए दोनों तरीके से निकाल के देख लेना। हाँ जी बच्चों, ये क्या कहता है जीसीसी, जीसीसी ये कहता है पहले पहले इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट होगा बच्चों आई, आई कितना होगा, आई 3 होगा, आई 3 है, पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट कर दीजिए आई 3, इंक्रीमेंट कर दीजिए, ये लीजिए 3 हो गया। क्लियर बच्चों। अब बच्चों 3 ये लीजिए, 3 का इंक्रीमेंट कितना हो गया 4, फिर ये कहता है इंक्रीमेंट कर दीजिए, 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 5। बच्चों क्लियर, हमेशा क्या कहते हैं इंक्रीमेंट कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए, पहले आपको प्रिंट नहीं करना, पहले आपको इंक्रीमेंट करना, कर दिया मैंने इंक्रीमेंट। अब बच्चों एक बार बताइए यहां से कितना प्रिंट हुआ, अब प्रिंट करो, ये भी 5 प्लस 5 कितना हो गया जेड, जेड में 10 आ गया, तो आंसर 3 और 10 कोई अंतर नहीं है बच्चों, सॉरी 5 और 10 कोई अंतर नहीं है, 5 और 10 बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। मतलब इस स्टेटमेंट के लिए भी किसी से भी एग्जीक्यूट करा लो, और इसमें तो देखिए प्रोसेसिंग भी सेम है, इसमें तो प्रोसेसिंग भी सेम है, इसके अंदर तो प्रोसेसिंग भी सेम है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना प्रीफिक्स का मतलब है जितनी बार प्रीफिक्स आए पहले वो कंप्लीट करना है, जीसीसी कहता है जितने भी प्रीफिक्स आए पहले उनको कंप्लीट करना है, टाइप नहीं करना डायरेक्ट, पहले प्रीफिक्स को कंप्लीट करना है, लास्ट में टाइप करना है, पहले प्रीफिक्स को कंप्लीट करना है, लास्ट में टाइप करना है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर अंतर क्या है, तो देख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने कहा आई, आई के अंदर कितना है बच्चों 3 और ये क्या है जेड, और जेड के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस और प्लस आई प्लस प्लस। क्लियर बच्चों। अब इसको मैं ट्रबो सी में एग्जीक्यूट करता हूँ, ट्रबो सी के अंदर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो बच्चों ये जेड है, आई 3 है, तो 3 टाइप होगा, 3 टाइप होगा, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, जेड में 6। अब बाहर निकलने से पहले, यहां से बाहर निकलने से पहले आई 2 बार बढ़ेगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक बार 4 होगा फिर एक बार 5 होगा। तो बच्चों अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ परसेंट डी और परसेंट डी आई एंड जेड, तो आंसर क्या आएगा, यहां पर आएगा 5 और यहां पर कितना आएगा 6। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा 5 और 6 क्यों आया, ये क्लियर कर लीजिए। अगर मान लो इसी को मैं जीसीसी में करवाता हूं, तो जेड बच्चों क्या होगा आई प्लस प्लस और प्लस आई प्लस प्लस। बच्चों क्लियर, यहां पर आई कितना है, आई यहां पर 3 है और जेड ये ब्लैंक है, रास्ता ही बदल जाएगा देखना, ये जेड है। बच्चों एक बार बताइए पहले ये क्या कहता है, टाइप करो, टाइप करो, यहां पर कितना हो गया 3 3, अब ये बढ़ जाएगा 3, यहां पर कितना हो गया 4। बच्चों ये कह रहा है टाइप करो पहले, कितना हो जाएगा 4। क्लियर, 3 प्लस 4 समझ में आ गया, क्योंकि आई में 4 था, ऐसे चलता है ये, ऐसे चलता है ये। प्रीफिक्स का मतलब सब बढ़ा के फिर लिखो, पोस्टफिक्स का मतलब जहां आ जाए वो लिखो। बच्चों 3 आया फिर बढ़ाया, फिर 4 आया फिर बढ़ाया, 4 का क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। बच्चों क्लियर, तो जेड में अब कितना आ गया 7, आई में तो अभी भी 5 है लेकिन जेड में 7 आ गया, आंसर बदल गया। कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या, जीसीसी ये कहता है चलो पोस्टफिक्स से लिख दो, पोस्टफिक्स से पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, फिर आगे पोस्टफिक्स आया पहले लिख दो फिर बढ़ा दो। प्रीफिक्स क्या कहता है, प्रीफिक्स कहता है पहले आपको बढ़ाना होगा, पहले आपको बढ़ाना होगा लिखेंगे लास्ट में, पहले आपको बढ़ाना होगा लिखेंगे लास्ट में। क्लियर बच्चों, ठीक है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, कमेंट कर दीजिए कहीं क्लियर है क्या आपके।
क्या ये क्लियर है? क्या ट्रबोसी तो प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलती है? प्रेसिडेंसी मैंने समझा दी, उसके हिसाब से चलना है। क्लियर? प्रेसिडेंसी मैंने समझा दी, उसके हिसाब से चलना है। जीसीसी में आपको सीरियल वाइज चलते हुए आना है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और दू, ठीक है? देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, देख लो। ये आई है, आई कितना है बच्चों? थ्री। ये जेड है, और बच्चों मैं इक्वेशन ऐसे बना देता हूं, आई प्लस 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 आई। एक काम करो, ऐसे बना देता हूं मैं इसको, प्लस प्लस आई और प्लस आई प्लस प्लस। क्लियर बच्चों? अब मैं ट्रबोसी की अगर बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं बच्चों। तीन है, पहले प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा तो ये तीन की जगह चार होगा। अब चार यहाँ टाइप होगा बच्चों, चार यहाँ भी टाइप होगा, और जेड के अंदर कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। और जैसे ही ये यहां से बाहर निकलेगा, प्रीफिक्स तो हो चुका, ये और होगा, तो बच्चों चार की जगह क्या हो जाएगा, पांच। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट है परसेंट डी आई और जेड, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा आई पांच और जेड कितना, आठ। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैं लेता आई, आई कितना बच्चों, थ्री, और ये कितना जेड, और जीसीसी के अंदर लेता तो ये कैसे काम करता, देखिए इक्वेशन वही है आपकी, कलर बदल देता हूं मैं, समझना। जेड ये प्लस प्लस आई और प्लस आई प्लस प्लस। क्लियर? इसको समझना बच्चों। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, प्रीफिक्स को नहीं छेड़ना, प्रीफिक्स नहीं आएगा। आप बताइए, बढ़ा दो, लिखना नहीं है बच्चों। तीन, तीन का क्या हो गया, चार। लेकिन ये चार मत लिखना, पहले प्रीफिक्स है चार, जब लिखा जाएगा तब यहां लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। जब आई हर जगह लिखा जाएगा तब यहां लिखा जाएगा बच्चों। प्लस प्लस आई, ठीक है, ये चार हो गया, कितना हो गया, चार, चार हो गया, यहां तक खत्म, लिखा नहीं है। फिर आई, आई कितना है बच्चों, आई चार ही है, बिल्कुल। यहाँ टाइप जैसे ही चार होगा बच्चों, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस चार की जगह ये क्या हो जाएगा, पांच। अब बच्चों जो आई बच गया वो आई की लास्ट वैल्यू लेगा, कितना बच्चों, पांच। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आई तो लास्ट बना, क्योंकि जो आई छोड़ के आए अपन, अभी आई नहीं लिखना, फाइनल वैल्यू लिखनी है आई की। वापस सुन लीजिए, क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करना, ये हटा देता हूं मैं। यहां पर तो देखिए आई थ्री था, थ्री का कितना हो गया, फोर, लेकिन ये फोर नहीं लिखना। फिर आई फोर, फोर हो गया, फिर आई हो गया फाइव। अब जो जगह छूटी है वहां आई की फाइनल वैल्यू लिखनी है फाइव। याद रखना जीसीसी क्या करता है, प्रीफिक्स में आई की फाइनल वैल्यू लिखनी होती है, प्रीफिक्स में आई की फाइनल वैल्यू लिखनी होती है, प्रीफिक्स में आई की फाइनल वैल्यू लिखनी होती है। क्लियर बच्चों? आई की फाइनल, पोस्टफिक्स में तो वही लिख दो, लेकिन प्रीफिक्स में जो फाइनल वैल्यू बनी, आप प्रीफिक्स छोड़ के आयो, देखो ना, प्रीफिक्स छोड़ के आयो, आप प्रीफिक्स छोड़ के आयो, आप प्रीफिक्स छोड़ के आयो, तो जो फाइनल वैल्यू बनी वो लिखनी है। आप बताइए, आप बताइए, तीन था, चार हुआ, लेकिन चार नहीं लिखना, चार हुआ, फिर आई, यहां तो चार ही लिखना है क्योंकि तो पोस्टफिक्स है, प्लस प्लस पांच हो गया, अब जहां छोड़ के आयो वहां पांच लिखना है, तो जेड कितना आ जाएगा बच्चों, नाइन, जेड नाइन आ जाएगा, और आई अभी भी फाइव रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आई फाइव और जेड क्या हो जाएगा, नाइन। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या, और बाकी बच्चों इसके अधिकतर आंसर कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा, कंपाइलर डिपेंडेंट अधिकतर इसके आंसर होते हैं। अच्छा, जीसीसी में क्या होता है, तो जीसीसी में प्रीफिक्स की जगह बढ़ाते हुए तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन प्रीफिक्स की जगह आई की फाइनल वैल्यू लिखते हैं, प्रीफिक्स की जगह आई की फाइनल वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो इसमें चाहे किसी भी तरीके से कर लो, आंसर क्या आएगा, फाइव और एट आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रबोसी क्या कहती है, एक मिनट और देख लीजिए, एक्स कितना है, तीन, और ये जेड है। ट्रबोसी कहती है, ट्रबोसी कहती है पहले ये होगा, तीन का क्या होगा, चार होगा, फिर चार और चार आएगा, जेड में आठ आ जाएगा, नीचे जाते हुए चार का पांच हो जाएगा, तो पांच और आठ ट्रबोसी के हिसाब से। और जीसीसी क्या कहती है, पोस्टफिक्स में तो टाइप कर दो और प्रीफिक्स में लास्ट वैल्यू टाइप करो। आप बताइए, पोस्टफिक्स है तो यहां पर तो तीन ही आएगा,
फिर तीन का ये हो गया कितना, चार, यहां से बढ़ते बढ़ते चार। यहां टाइप मत करो, जब यहां लास्ट वैल्यू जो बने वो टाइप करना। चार की जगह हो गया पांच, तो ये हो गया पांच, तो यहां टाइप हो गया, यहां टाइप हो गया, तीन प्लस पांच कितना हो गया आठ। तो बच्चों वही 5, 8 यहां आएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा था मैं हर कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों इन कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा धैर्य की जरूरत है। ये बिल्कुल अंदर की चीजें हैं कि कहां पर क्या गड़बड़ होती है, कौन कौन से कंपाइलर में क्या चीज होती है, समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो एक ही जगह है तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही जगह है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली कर लो। कंपाइलर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, x 3 है। आप बताइए सबसे पहले डिवाइड होगा या ये होगा? ये होगा, ये होगा। बच्चों 3 की जगह यहां क्या आ जाएगा? 4। अब बच्चों टाइप कर दो, 4 डिवाइड 4 कितना हो गया? 1। बच्चों z में 1 आ जाएगा, तो z में कितना आ गया? 1, और x में कितना आ गया? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, 1। कमेंट कर दीजिए क्या ये आपके क्लियर है, क्या ये आपके क्लियर है क्या? ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, कई डबल ट्रिपल प्लस प्लस ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्लियर बच्चों? एक जगह है तो कंपाइलर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया होगा? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसके नहीं समझ में आए, रिपीट करना है सर तो रिपीट लिख सकते हैं। सबके साथ ऐसे नहीं करना कि ठीक है उसके आ गया तो अपने भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर बच्चों? और देखिए मैं ये नोटिस कर रहा हूं आप लोग मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोगों को बोलिए, मैं गारंटी देता हूं पूरे YouTube को सर्च कर लेना, पूरे YouTube को सर्च कर लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन कराने वाले टीचर मिल जाएंगे। लैंग्वेज के मामले में, किसी भी सब्जेक्ट के मामले में, तुमने मेरे से डिजिटल भी पढ़ी, और अब तुम दुनिया की किसी बुक को देख लेना, आपको किसी बुक के किसी क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। 35 वीडियो में मैं पूरी डिजिटल समझा चुका हूं क्या होती है डिजिटल। ऐसे 40 वीडियो सीख के आने वाले हैं, पूरी सी ब्रह्मांड की पूरी सी आपको समझा चुका हूं। यूट्यूब पे वीडियो मिल ही नहीं सकते, आपको मिल ही नहीं सकते इतने डीप में, मिलेंगे लेकिन बेसिक बेसिक बच्चों को कुछ करने वाले वीडियो मिलेंगे। बच्चों हर चीज अगर सीखनी है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी इंडिया में तो नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, और है तो देख लीजिए, सर्च कर लीजिए आप। क्लियर? जितना मेरे अंदर है उतना मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा वायरल कर दो, यूट्यूब पे जाके कहीं पर भी जाके सोशल मीडिया पे बोला करो, आपके दोस्तों को बोला करो, आपके साथ 50-60 बच्चे और भी थे एमसीए बीसीए बीटेक जब भी किया वो भी मेरे को जाने, उनको इन्फॉर्म किया करो आप। हाँ जी बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैसेज दे रहा है, इस मैसेज को समझना, ये भी टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार बताइए ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो कंपोजिट इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर है। देखिए आप जब भी मैं ऐसे लिखता हूं ये असाइन ऑपरेटर होते हैं, सबको पता है ये सब असाइन ऑपरेटर होते हैं, इनको कंपोजिट असाइन कहते हैं, कंपोजिट असाइन कहते हैं, कंपोजिट असाइन कहते हैं, कंपोजिट असाइन कहते हैं, लेकिन ये तो नहीं है क्योंकि असाइन इधर होता है तब ये कंपोजिट असाइन कहलाते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है असाइन ऑपरेटर, ये असाइन ऑपरेटर नहीं है। असाइन ऑपरेटर तो ये है, ये तो नहीं है। बच्चों पहचानो एक ही चीज क्या क्या काम करती है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, ऐसे लिखता हूं तो साइन ऑपरेटर है, और अगर ऐसे लिखता हूं बच्चों इधर कोई वेरिएबल और ऐसे लिख देता हूं तो बच्चों ये असाइन ऑपरेटर है। बच्चों सबका अलग अलग मतलब है, ये चीज अलग है ये साइन ऑपरेटर है, ये चीज अलग है ये कुछ और है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। असाइन में असाइन इधर रहता है, ध्यान रखिए असाइन इधर रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी कॉपी वाई माइनस एक्स, और किस में डाल दो वापस? वाई में डाल दो, ये इसका मतलब है वाई माइनस एक्स वाई में डाल दो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जेड, जो भी एक्स है उसके आगे माइनस लगा दो, जो भी एक्स है उसके आगे माइनस लगा दो। एक्स ये कौन सा है? ये यूनरी ऑपरेटर है, सेकंड ग्रुप का ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, साइन बदल देगा और फिर डालेगा क्योंकि साइन बाद में होगा, पहले साइन चेंज होगा, याद रखिए इसको साइन ऑपरेटर कहते हैं।
याद रखिए इसको साइन ऑपरेटर कहते हैं। ये कंपोजिट ऑपरेटर है, ये साइन ऑपरेटर है। पहले साइन चेंज होगा, माइनस लगेगा, फिर जेड में जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा इसका क्या मतलब है। क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते। यहां पर आइए बच्चों, एक्स एक्स के अंदर कितना आ गया टेन। अब ये क्या कह रहा है, साइन ऑपरेटर है। एक तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर इक्वल टू रसाइन में क्या रिलेशन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे बच्चों ये इक्वल है, इसका मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर है और ये आंसर वन और जीरो में देता है। क्या कंडीशन सही है तो वन, कंडीशन गलत है तो जीरो। और ये जो होता है ना ऑपरेटर, ये साइन ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू डालता है इधर, इधर की वैल्यू उठा के इधर डालता है। और सी में पहले ये एग्जीक्यूट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सी अप टू डाउन लैंग्वेज है, सी प्रोसीजर लैंग्वेज है, सी सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। बच्चों विचार कीजिए, बच्चों एक्स में टेन आया, फिर वाई, वाई में ये एक्स उठ के वाई में गया, बच्चों ये कितना आ गया टेन। फिर जेड, जेड नाम का एक वेरिएबल है, सबके साथ इंटीजर लग रहा है, बच्चों ये क्या है वाई, जेड, जेड में एक्स आया, एक्स कितना टेन, ये बनी। इस लाइन का मतलब यह। और बच्चों अब सुनना, ये क्या कह रहा है, ये याद रखना कंफ्यूजन। अगर आईए के पेपर दोगे ना आप, इतने फर्जी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हंसोगे आप। कोई भी आईए दे दो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आईए के लिए क्या करें। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सी खत्म होते ही पहले मैं आईए से रिलेटेड पूरा बेसिक समझा दूंगा। ऐसे मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा डाल रखा है, उसमें आईए से बाहर कुछ नहीं जा सकता, लेकिन हाँ लगभग मेरे पास 1500 क्वेश्चन का सेट है आईए से रिलेटेड, पहले मैं वो सोल्व करवा दूंगा आपको। वो कंप्यूटर टीचर थर्ड ग्रेड में भी आएगा और इसमें भी आएगा, आईए में भी आएगा, सेम है। तो उनको मैं, जब तक आप कंप्यूटर फंडामेंटल देख लेना, कहां मिलेगा, ऐप के ऊपर मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से। हाँ जी बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। वाई माइनस एक्स बताइए क्या है, वाई में से एक्स गया, टेन माइनस टेन यहां से रिटर्न हुआ क्या। देखो असाइन का मतलब है यहां से जो रिटर्न हुआ वो जीरो है, जीरो यहां, क्योंकि पहले ये सोल्व होगा, रिटर्न जीरो, वाई में जीरो, ये खत्म, वाई में जीरो। अब बच्चों यहां आ जाइए, जेड के अंदर एक्स का नेगेटिव आएगा, एक्स क्या है टेन, टेन का नेगेटिव, यहां से क्या रिटर्न हुआ, क्यों, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये साइन ऑपरेटर है, साइन ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, यहां से माइनस टेन, और इस माइनस टेन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, जेड ने, तो जेड में क्या आ गया बच्चों, टेन की जगह माइनस टेन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल वैल्यू एक्स की यही है, वाई की ये है, जेड की ये है, बच्चों ये क्या हो जाएगा, वाई पूछ रहा है जीरो और जेड पूछ रहा है माइनस टेन। कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए अगर आपके क्लियर है तो। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये चल रहा है। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए अगर ये आपके क्लियर है तो। उषा क्लियर है, कमेंट ही नहीं आ रहे बच्चों, कहां हो तुम लोग। ठीक है अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन इसरो में आया हुआ है, बाकी बाकी सब कुछ समझा रखा है। देखिए ए कितना है, ए कितना है 15, ए 15 है, बी 13 है, सी सी कितना है बच्चों 16 है, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो रहे हैं, ये लीजिए यहां तक का काम खत्म। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सब कुछ पढ़ा रखा है, बस इसलिए ले लिया क्योंकि आया हुआ है। एक बार बताओ ये इक्वेशन को गौर से देखो, यहां पर पहले माइनस होगा, डिवाइड होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, या फिर डिवाइड होगा, मॉडुला होगा, या फिर डिवाइड होगा। आप सबको पता है यहां पर ये सोल होगा क्योंकि ए माइनस, माइनस बाद में सोल होता है, ये होगा, ये पूरा ग्रुप होगा और ये ग्रुप अलग होगा। क्लियर हो गया होगा क्योंकि प्लस माइनस की प्रेसिडेंसी कम है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सबसे पहले प्रेसिडेंसी किसकी होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड मोड तीनों की एक जैसी, प्लस माइनस की एक जैसी, प्लस माइनस कमजोर है, अठा दो, ये सोल होगा, ये पूरा ब्लॉक सोल होगा, ये सोल होगा। हाँ जी बच्चों मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, मोडुला, रिमाइंडर, शेषफल, थ्री को टू से डिवाइड किया, रिमाइंडर, इंटीजर, इंटीजर, रिमाइंडर वन।
चलो मैं अलग से लिख लेता हूं इसको ताकि आपके सामने आ जाए। ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये क्या है बच्चों, a माइनस थ्री मोडूला टू प्लस सी मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई फोर मोडूला टू प्लस बी मोड फोर डिवाइड फोर सॉरी। अब बच्चों इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, समझो। आप बताइए मेरे पास जो ग्रुप बने वो कौन कौन से बने। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये पूरा बना और एक ये बना। ये तो अकेला है तो यहां से रिमाइंडर a माइनस वन हो गया। प्लस बच्चों यहां मल्टीप्लाई डिवाइड और मोड में पहले कैसे सोल्व होगा, एसोसिएटिविटी अर्थमेटिक ऑपरेटर की इधर से इधर होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। सी कितना है बच्चों, 16, 16 इंटू टू, 16 इंटू टू सबसे पहले सोल्व होगा, 16 इंटू टू सबसे पहले 32 आएगा, 32 यहां जाएगा, 32 डिवाइड बाई 4 कितना 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बताता है, ये बताता है 32 को 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, ये बताता है तो ये 8 आया। बच्चों यहां तक का आंसर आपका 8 आ गया। 8 को 2 से मोड कीजिए, मोड करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ये क्या बताता है तो ये रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, मोड का मतलब रिमाइंडर। देखिए पुराने वीडियो बच्चों, यहां पर ये क्या आ जाएगा 0। और प्लस बी उठाइए, बी 13 डिवाइड बाई 4, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आएगा, इसको डिवाइड कहते हैं। बच्चों कितनी बार गया, 3 बार, तो ये 3 आ गया। बच्चों ये क्लियर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बताओ ए कितना है, 15, 15 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस माइनस 6 पहले ये होगा 14, 14 प्लस 0 कितना 14 और प्लस 3 17 और x के अंदर कितना आ गया बच्चों 17। और अभी तक ये क्लियर है क्या, ये लाइन बता दीजिए, ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन क्लियर है क्या कि x के अंदर 17 आया। कमेंट नहीं आ रहे बच्चों, बहुत दुख होता है, आपकी एफिशिएंसी मेरी एफिशिएंसी से बहुत कम है, कमेंट आते रहने चाहिए। हाँ जी बच्चों, अब यहां आ जाइए, ये क्या कह रहा है पहचानिए, असाइन असाइन। अरे पहले तो ये सोल्व होगा क्योंकि अर्थमेटिक है सब, असाइन तो बाद में होते हैं, पहले इनको सोल्व कर लीजिए। ये क्या है बच्चों, ये है आपका b प्लस 5 माइनस बी प्लस 9 डिवाइड 3। ये क्लियर है, ये तो प्लस माइनस प्लस है, पहले यही सोल्व होगा, यहां से 3 रिटर्न होगा। बच्चों b प्लस 5 माइनस बी प्लस 3, बी से बी खत्म, 5 प्लस 3 कितना 8 हो गया, कैसे भी कर लो प्लस माइनस है, 5 प्लस 3 8। बच्चों अभी तक ये इक्वेशन ये बन गई y इक्वलेंट a इक्वलेंट 8, क्यों, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न किया। असाइन मतलब रिटर्न जो होगा वो इधर आएगा। बच्चों एक बार बताइए, पहले a में 8 जाएगा, a को गायब कर देता हूं, 15 की जगह क्या कर देता हूं बच्चों 8, a में क्या जाएगा 8 जाएगा। अब क्या बचा, अब ये बचा क्योंकि असाइन खत्म, अब ये बचा। अब ये कह रहा है y में क्या जाएगा, a जाएगा, y में a जाएगा। बच्चों ये भी कितना हो गया 8। और बच्चों अब यहां आ जाइए, x कितना हो गया, x कितना है फाइनली 17 और y फाइनली कितना है 8। लीजिए ये आपका आंसर 17 एंड 8। कमेंट कर दीजिए क्या ये सब कुछ क्लियर है क्या। अगर ये सब कुछ क्लियर है आपके तो आप किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट की तैयारी कीजिए, करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी ही काम कर रही है, थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव होगा और अगर प्लेसमेंट के पेपर दोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इनसे ज्यादा सी आती भी नहीं जितना मैंने पढ़ा है। हाँ जी बच्चों चले नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, ये भी आया हुआ है पीजीटी में आया हुआ है, कोई बात नहीं, ये केवल अपन को डायरेक्शन दे रहा है क्या होता है। ए 14 है, बी और सी है बच्चों, ए 14 है, बी और सी है, ये लीजिए 14 मोड 5 मतलब 14 को 5 से डिवाइड करने पर यहां क्या आया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर में आंसर आता है, सब कुछ बता रखा है मैंने। हाँ जी बच्चों ये 10 हो गया, यहाँ कितना आया 4, इसका मतलब 4 है ए में, यहां से क्या रिटर्न हुआ, साइन का मतलब जो यहां से रिटर्न होगा वो यहां डलेगा। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न हुआ 4, ए में आ गया 4, 14 की जगह अब कितना आ गया 4। ठीक है बच्चों, अब 4 डिवाइड 3, 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, यहां क्या आया एक बार, तो एक इसका मतलब आया, यहां से रिटर्न हुआ 1 और बी में आ गया 1। अब बच्चों यहां आ जाइए, अब देखिए ए कितना है, ए है 1 सॉरी ए है 4 डिवाइड 5 3,
ये सी में जाएगा। तो एक बार बताइए दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है तो इधर से इधर सोल होगा। आप बताइए चार को पांच से डिवाइड करने पे, डिवाइड का मतलब होता है यहां कितना आएगा, यहां जाएगा ही नहीं, कितनी बार जाएगा, जीरो बार, जीरो बार, क्योंकि कम से कम पांच होता तो एक बार जाता, छह होता तो भी एक बार जाता, पांच से कम है तो जीरो बार। यहां पर क्या आ गया, जीरो। बच्चों सी जीरो मोड थ्री बच गया, इसके बाद ये सी जीरो मोड थ्री आ गया। अब जीरो को थ्री से डिवाइड कीजिए, यहां क्या आया। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जीरो को अगर थ्री से डिवाइड करते हो, जीरो को थ्री से डिवाइड करते हो, यहां क्या बचा। तो आप बताइए अगर इससे कम, अगर ये है इससे कम, अगर ये है तो जीरो बार जाता है, ये जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। बच्चों क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, जीरो मोड थ्री समझ में आ गया होगा, जीरो मोड थ्री। तो आप बताइए सी में कितना चला जाएगा, सी में चला जाएगा आपका जीरो। भाई जीरो को अगर थ्री से डिवाइड किया तो यहां कितना बचा, तो इधर जाएगा ही नहीं, तो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, बचा क्या, जीरो। तो बच्चों ये बना ए बचा चार, बी एक, सी जीरो। हाँ जी उषा फोर वन थ्री क्यों किया, ये समस्या बाहर है। जीरो मोड थ्री जीरो होता है, जीरो मोड थ्री जीरो होता है। कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं। याद रखो डिवाइड मतलब ये, डिवाइड मतलब ये, मोड मतलब ये। जब ये छोटी संख्या है इससे तो भाग जाएगा ही नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, सॉरी सर। ठीक है ठीक है। हाँ जी बच्चों होती रहती है, इसमें कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं। हाँ जी नेक्स्ट चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, गेट में आया हुआ क्वेश्चन, और सोचो सोचो इक्वेशन भी एक मैसेज दे रहा है। एक्स वाई जेड, ये लीजिए एक्स वाई जेड, ये कह रहा है एट प्लस प्लस, अरे यही गड़बड़ है, एरर है, वेरिएबल के ऊपर प्लस प्लस होता है, ये मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, ए है तो ए पे जाके बढ़ा देता है, ये कोई मेमोरी लोकेशन है क्या, ये तो कॉन्स्टेंट है। बच्चों एरर है, इस लाइन में एरर है, ओ यहां पर भी एरर है, क्यों, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं बच्चों, x प्लस प्लस और इधर क्या प्लस प्लस, ये मीनिंगलेस है। हाँ या तो ये होता है या ये होता, एक वेरिएबल पे दोनों तरफ कैसे हो सकता है, ये भी एरर है बच्चों, ये भी एरर और ये भी एरर है, और बच्चों ये भी एरर है क्योंकि एक्सप्रेशन पे नहीं लगता, ये लगता है ऐसे, ऐसे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये वेरिएबल पे काम करते हैं, वेरिएबल पे काम करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे लिखोगे तो बच्चों ये कह रहा है कि पहले इसको एग्जीक्यूट करो फिर बढ़ा दो, किसको बढ़ा दो, ये तो वेरिएबल लोकेशन मेमोरी को बढ़ाता है, ये किसको बढ़ा दो, एक्सप्रेशन को बढ़ा दो, ये भी गलत है, ये भी क्या है बच्चों एरर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, तीनों ही एरर है। अरे एरर एक आए चाहे तीनों जगह आए, केवल समझाना है कि इसमें भी एरर है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्लस प्लस नहीं हो सकता, इसमें भी एरर है, एक वेरिएबल पे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों एक साथ नहीं लग सकते, इसमें भी एरर है क्योंकि ये वेरिएबल पे लगता है, ये एक्सप्रेशन पे लगा दिया, ये भी एरर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगी, एरर। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कंपाइल टाइम एरर है। वो ट्रबोसी के हिसाब से आपके सामने आ गया, उसके हिसाब से कर लेना, लेकिन आप तो इतना याद रखना क्वेश्चन एक में जो था ना, तुम ट्रबोसी के हिसाब से करते हो, पहले भी मैं ट्रबोसी के हिसाब से कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान ट्रबोसी के हिसाब से करता है, लेकिन जीसीसी कंपाइलर अगर आ जाता है तो कैसे करते हो वो मैंने आपको समझाया, लेकिन याद रखना तुम्हारे ऐसे कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस दोनों एक साथ आए, एक ही स्टेटमेंट में आए, तो आंख बंद करके लिख दो कंपाइलर डिपेंडेंट है। क्लियर, कंपाइलर डिपेंडेंट है, आंसर निकाल के देख लेना, दोनों से अलग अलग आता है तो कंपाइलर डिपेंडेंट है, और दीपिका वापस लास्ट में और समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर आइए, यहां पर आइए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश करना बच्चों। आई ए के अंदर कितना है, फाइव, ए के अंदर फाइव आ गया, प्लस प्लस ए बच्चों फाइव की जगह सिक्स आ गया, यहां सिक्स बन गया, एक ही है, सिंगल है, सिंगल स्टेटमेंट है प्लस प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट यहां आ जाइए। ए में कितना आ गया, सिक्स आ गया, ये लीजिए पहले बढ़ा, ए फाइव था पहले बढ़ा, ए में फाइव की जगह सिक्स हुआ, फिर
ये सिक्स हो गया यहां पर और फिर ये सिक्स ए में गया, ये लीजिए सिक्स हो गया। कैसे प्रोसेसिंग चल रही है देखिए, यहाँ फाइव था, यहाँ ए में सिक्स हुआ, फिर ए वापस असाइन हो गया सिक्स से, ऐसे प्रोसेसिंग चल रही है। एक बार बताओ बच्चों, आप एक बार बताइए, ट्रबोसी के हिसाब से अगर करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, तुम ट्रबोसी के हिसाब से सीख जाओ। यहां मेरे को पता है कंपाइलर डिपेंडेंट भी आंसर हो सकता है, अगर हो तो फिर वही करना कंपाइलर डिपेंडेंट, ऑप्शन देख लेना, क्योंकि वो तभी लिखेगा कंपाइलर डिपेंडेंट जब कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर हो। क्लियर बच्चों? अब यहां पर आइए, अगर मान लो मैं इसको ट्रबोसी के हिसाब से करता हूं, सुनना, आप सबसे पहले बताइए क्या होगा, पोस्टफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, पांच की जगह ये कितना हो गया, इसको मैं छह था, एट कितना था, सिक्स, सिक्स की जगह ये क्या हो गया सेवन, ये लीजिए ये काम खत्म, ये क्या हो गया सेवन। बच्चों अब क्या होगा, अब पोस्टफिक्स लास्ट में होगा, टाइप होगा सेवन प्लस फाइव इंटू ए कितना सेवन, अब बच्चों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 35 प्लस 7 42, बच्चों 42 आ चुका है, किसके अंदर, ए के अंदर, अब असाइन होगा ए के अंदर क्या आ गया 42, लेकिन बच्चों जब इससे नीचे जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, 42 की जगह क्या आ गया 43, बच्चों 43 आ चुका है ये। अब बच्चों जब टाइप करेंगे तो पहले टाइप होगा फिर बढ़ेगा, 43 ही टाइप होगा, लेकिन नीचे जाते जाते एक बढ़ जाएगा और ये 44 होगा, ए में 44 हो जाएगा, नीचे जाते जाते 44 हो जाएगा, पहले पढ़ेगा और फिर 45 आ जाएगा। एक बार बताइए क्या ये क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, ट्रबोसी के हिसाब से, अधिकतर ट्रबोसी के हिसाब से ही होगा, मान लो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं कि कंपाइलर डिपेंडेंट है, तो ये आंसर सही है क्या दीपिका, आपके क्लियर है क्या, ये रेखा के क्लियर है, एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे अब तक पढ़ाते हुए आया हूं, केवल एक ही जगह कंपाइलर डिपेंडेंसी होती है जो मैंने आपको समझाया। दीपिका क्लियर है क्या, क्लियर है, प्रियंका क्लियर है, कैसे हुआ समझ में आ जाना चाहिए, पहले प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स मतलब देखो पांच छ ए में छ, फिर सात सेवन फाइव सेवन, फिर 42 ए में 42, निकलने से पहले 43 43 44 45 फिर 45। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है क्या, ठीक है यहां तक क्लियर है। अब मान लो अगर कोई कहे सर इसको जीसीसी के हिसाब से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो बच्चों चेक कर लेते हैं, ऐसे इसका आंसर 43 45, जब तक ऑप्शन में नहीं हो ट्रबोसी के हिसाब से करना, जब तक ऑप्शन में नहीं हो कंपाइलर डिपेंडेंट ट्रबोसी के हिसाब से करना। क्यों बोल सकते हो तुम कंपाइलर डिपेंडेंट, क्योंकि एक स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल के अलग अलग वेरिएबल होता है ना, यहां बी या सी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग आए तो इस तरीके से करना। चलिए अब बच्चों यहां पर आ दो, अगर मैं इसको जीसीसी के हिसाब से करता तो जीसीसी ये कहता है प्रीफिक्स से लास्ट वैल्यू लेता है और पोस्टफिक्स जो है वो ले लेता है। चलो ये क्या है बच्चों, यहां पर आ जाओ, जीसीसी के हिसाब से कर रहा हूं मैं, समझना, ए ए में फाइव आएगा, ठीक है, प्लस प्लस ए, ये कितना हो गया, फाइव को हटाइए यहां पर, सिक्स सिक्स बना, फिर ए में सिक्स, ये लीजिए सिक्स हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इस स्टेटमेंट को अपन को देखना है, बच्चों ये क्या कह रहा है, ए प्लस प्लस ए फाइव और ए प्लस प्लस, ये कैसे काम करता है समझने की कोशिश करना, ये काम करता है बच्चों, यहां पर प्लस प्लस ए हुआ, प्लस प्लस ए, लेकिन टाइप मत करना, यहां टाइप नहीं करना क्योंकि प्रीफिक्स है, यहां टाइप नहीं करना, जगह छोड़ देना, सीरियल वाइज लिख दो, टाइप लिख दो, पूरा कंप्लीट लिख दो, तो ये क्या होगा बच्चों, ये सिक्स है, क्या है बच्चों सिक्स, सिक्स की जगह ये क्या हो गया सेवन, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये सेवन हो गया, लेकिन यह टाइप मत करना, यहां टाइप मत करना, टाइप मत करना, प्रीफिक्स है इसलिए टाइप मत करना, सिक्स था, सिक्स की जगह सेवन हो गया, प्लस ए कितना है बच्चों फाइव, या क्या टाइप करना आपको ए, लेकिन लास्ट वैल्यू फाइव, यहां पर ए टाइप करना है, ए कितना हो गया सेवन, बच्चों सेवन, अब ए यहां पर कितना हो गया एट, ये लीजिए खत्म, अब ए की जो लास्ट वैल्यू है वो यहां आ जाएगी, क्या ये क्लियर है क्या, ये जीसीसी के हिसाब से। बच्चों यहां पर आ जाओ, ये कितना हो गया पैंतीस,
35 प्लस ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 43। ए में कितना आ गया 43, ए में कितना आ गया बच्चों 43, 43 यहां पर आ चुका है, यहां गया 43 हो गया, 43 के बाद प्लस प्लस 44 45 43 एंड 45, ये इसका आंसर था। देखिए रूल अलग अलग है, 35 प्लस 8, समझ में आ गया होगा बच्चों 35 प्लस 8 कैसे आया, समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है, आंसर 43 45 है। रास्ते अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है इस क्वेश्चन में, रास्ते अलग अलग है, प्रबोसी का अलग था, जीसीसी का रास्ता अलग था, फाइनल आंसर सेम है, इसलिए इसको कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी बोलिए दीपिका, क्लियर है क्या? तुम तो ये याद रखना प्रीफिक्स में या नहीं लिखना, आपको सीरियल वाइज चलना है, लिखना है, फिर अपन को ये करना है, टाइप करना है। मतलब देखो यहां हुआ था कितना 7 हो गया था, वापस आ जाओ 5 6 6 6 हो गया, अब यहां पर आइए ये क्या हो गया 7, लेकिन यहां 7 मत लिखना, खाली जगह छोड़ दो प्रीफिक्स की, 5 a 7 है तो 7 बढ़ के हो गया 8, अब बच्चों खत्म, a इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, अब a की फाइनल वैल्यू 8 लिख दो, 35 प्लस 8 कितना हो गया 43। प्रीफिक्स में चेंज, प्रीफिक्स लास्ट में नहीं होगा, प्रीफिक्स तो पहले ही हुआ, जैसे आया वैसे चलना होता है जिससे, वापस देख लो यहां 6 हो गया, 6 का ये कितना हो गया 7 हो गया, लेकिन ये खाली जगह छोड़ दी मैंने, यहां 7 नहीं लिखूंगा बच्चों। पोस्टफिक्स आए तो लिख दो, पोस्टफिक्स आए तो लिख दो, ये याद रखना, पोस्टफिक्स आए तो लिख दो, ए लिख दो, लिख दो, और प्रीफिक्स आए तो लास्ट वैल्यू लिखो, लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू लिखो, लास्ट वैल्यू, बस इतना सा है। तो आप बताइए ए 6 हो गया था, ये लो ए 6 हो गया था, 6 का 7 हो गया, ये लीजिए, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, लिखना नहीं है, 5 into लिख दो क्या 7 लिख दिया, क्लियर, बड़ा कितना हो गया 8, क्लियर, लाइन पूरी एग्जीक्यूट, केवल ये जगह बची ए की फाइनल वैल्यू 8, यहां लिख दी 35 प्लस 8 43। ये जो फाइनल वैल्यू है 43 वो ए में गई, यहां 43 आ गया, 43 प्रिंट होगा, फिर बढ़ेगा 45 44 45 फिर 45 प्रिंट होगा, क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। प्रीफिक्स है तो जगह खाली छोड़ दो, प्रीफिक्स है तो जगह खाली छोड़ दो, प्रीफिक्स है तो जगह खाली छोड़ दो, इतना सा कंसेप्ट। दीपिका समझ आ गया सर, एक बार एक कमेंट करो बच्चों, मैंने ऐसे काफी क्वेश्चन करा दिए, कुछ है ही नहीं, प्रबोसी के हिसाब से तो कैसे करते समझ में आ गया होगा, प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलो, और जीसीसी के हिसाब से कैसे चलते, सीरियल वाइज चलो, टाइप कर दो, बाद में प्रेसिडेंसी लगेगी, देखो ये प्रेसिडेंसी लग गई कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, इसकी जगह खाली छोड़ दो, 5 आ गया तो लिख दो, फिर प्लस प्लस बढ़ा दो, फाइनल ए की वैल्यू यहां लिख दो, खत्म। हाँ जी क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है सबके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग, फिर भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आपकी क्लियरिटी आ जाए। ए ए कितना है बच्चों 5, बी कितना है बच्चों 5, प्लस प्लस ए कितना हो गया 6, देखो ये ऐसे टाइप तो ऐसे होता है ये, लेकिन अलग अलग है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी देख लो। सबसे पहले बी, बी टाइप होगा कितना 5, बी टाइप होगा कितना 5, माइनस माइनस मतलब बी की जगह हो गया 4, फिर यहां आ जाओ पहले बढ़ेगा, 5 की जगह क्या हो गया 6, फिर ए प्रिंट होगा 6, तो 6 5 प्रिंट होगा, 6 5 इसमें इसमें इसमें, ठीक है, यहां जाइए 6 और 5, वापस 6 और 5 आ गया बच्चों, यहां पर 6 और 5 आ चुका है, ये सॉरी हाँ, ए कितना है, ए अभी 6 है, बी बी कितना आपका 4 है, तो 6 5 6 4 6 5 6 4 है, 6 5 6 4 है, 6 5 6 4 है। हाँ जी यहां तक क्लियर है क्या? अब फिर नीचे आइए, पहले ये होगा क्योंकि प्रिंट में पहले ये होता है फिर ये होता है, सबको पता है, पहले बी प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा कितना हो गया 4, बी प्रिंट होगा, बी कितना हो गया बच्चों 4, ये डेटा पहले लिखो 4,
ये डेटा पहले लिखो फोर, फिर बढ़ा दो, फोर का क्या हो गया फाइव, बच्चों पहले बढ़ा दो, सिक्स का क्या हो गया सेवन, तो या ए लिखो सेवन फोर, सेवन फोर हो गया। अब बच्चों जो फाइनल है, ए में बोलो कितना है सेवन और बी में बोलो कितना फाइव, बच्चों क्लियर, तो सिक्स फाइव सिक्स फोर सेवन फाइव, यह आपका आंसर हो जाए। आज कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, कच्चा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों के समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए। प्रिंट एक्ट में कैसे चलते हैं, उधर से इधर चलते हैं, उधर से इधर चलते हैं, उधर से इधर चलते हैं, क्लियर, ये सब चीज आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आने वाली, ये बता ही दिया, ये एरर है, ये एरर है बच्चों, क्यों था एरर, अभी जस्ट बताया था, एट प्लस प्लस रेस ऑफ एरर, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे, होमवर्क में डाल लो, करके लाना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब वेरिएबल अलग अलग है, क्लियर, लेकिन फिर भी देख लो, ए ए कितना है बच्चों फोर, ए फोर है, बी एट है, सी कितना है बच्चों थ्री, डी कितना है बच्चों नाइन, और जेड है। सबसे पहले ये तो है पोस्टफिक्स, ये है प्रीफिक्स, ये है पोस्टफिक्स, ये है प्रीफिक्स, अलग अलग वेरिएबल है, ट्रिपोसी की करो चाहे जीसी से करो, एक ही तरीके से काम करती है। आप बताओ सबसे पहले प्रीफिक्स होगा प्लस प्लस बी, एट की जगह नाइन, माइनस माइनस डी, बच्चों नाइन की जगह एट, टाइप कर दो, आप पोस्टफिक्स तो लास्ट में होंगे, टाइप कर दो, ए की जगह फोर, बी की जगह नाइन, सी की जगह थ्री, डी की जगह एट, जोड़ दो सोलह आठ, जेड में आएगा असाइन होगा, जेड में कितना आ गया एट, बच्चों यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, ये थर्टीन सिक्सटीन एट एट ये हो गया, इससे नीचे जाते जाते पोस्टफिक्स होंगे, ए प्लस प्लस मतलब पांच, ये पांच हो गया, एक पोस्टफिक्स ये रहा, सी माइनस हो जाएगा, तीन का क्या हो गया दो, बच्चों प्रिंट कर दो, ए कितना फाइव, बी कितना नाइन, सी कितना टू, डी कितना एट, और जेड कितना, जेड आ रहा है ट्वेंटी थ्री नहीं, एट आना चाहिए था, या तो कोई प्लस होगा, ये नौ चार तेरह और तीन सोलह और आठ, कुछ देखो इसमें जेड की कहीं गड़बड़ हो रही है, मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है बच्चों, यहां गड़बड़ हो गई, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो देख लीजिए एक बार, ये तो सब कुछ क्लियर है, ऑपरेशन यहां पर 27 प्लस 4 31 माइनस 8 31 माइनस 8 31 माइनस 8 23, जेड में 23 है बच्चों, जेड में कितना है 23 है, तो जेड आपका 23 है फर्स्ट ऑप्शन से, क्लियर बच्चों, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं लेकिन वो बाद में ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ बच्चों आपका ऑपरेटर खत्म, सी क्या होती है, सी का इंट्रोडक्शन हो गया, सी के क्या कंसेप्ट है वो सारे हो गए, ऑपरेटर समझा दिया, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि जिसके ऑपरेटर समझ में आ जाता है और कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ जाते हैं, पॉइंटर फंक्शन ये बहुत ईजी होते हैं बच्चों, सब कुछ समझाया जाएगा, जो काम की चीज है, जो टेक्निकल चीज है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कल अपन चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, अब आपके कोई डाउट हो तो बोलिए। बच्चों एक बार जरूर देख लेना, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर में कोई गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना, है ना, जैसे यहाँ हुई थी तो वो मल्टीप्लाई था, वहां प्लस नहीं था इसलिए वो गड़बड़ आ रहा था, चेक कर लेना, है ना, हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलिए। अच्छा समझ में आ रही है सी, या हार्ड लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है क्या बच्चों, कॉलेज में भी ऐसे ही पढ़ा था क्या आपने, या केवल थ्योरी पढ़ के चले गए, समझ आ गया, ठीक है, आ जाएगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार वीडियो को और देख लीजिए, 10 वीडियो कंप्लीट है, कल अपन कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे, ठीक है बच्चों,
फिर सी के बाद मैं पहले आपको पूरा बेसिक समझा दूंगा। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, सर हमने आईए का फॉर्म भरा है, तो दीपिका आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, आपसे पढ़ के अमीर बन गए। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, पहले मैं आपको आईए से रिलेटेड बता दूंगा, क्योंकि वो आपके थर्ड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में भी आएंगे, तो इतना ध्यान रखना। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल मैथ और रीजनिंग वाले कोर्स में भी डाल रखा है मैंने, फिर मैं कंप्यूटर टीचर के बैच में भी डाल रखा है मैंने, और आपके स्टोर में भी डाल रखा है। स्टोर में मैंने बच्चों को कहा है कि जिसको अटेंड करना है, डाउनलोड करना है वीडियो, वो स्टोर से कर सकते हो। किसी ने अगर एबीसीडी नाम का स्टोर ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर सकता है, सर से कॉन्टेक्ट करके कर सकता है, उसमें से सारे वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे आपके। निमसेट का एग्जाम कब है कुछ कह नहीं सकते, एक महीना तो मान के चलो, ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक्स।